Hey guys, welcome back to Cherry and her crazy ideas. Thumbnail से you must have known कि आज Cook with Cherry segment का एक recipe share होने वाला है. So it's basically where Cherry develops or discovers some new recipe which is different and new from other recipes. So here I'm going to share this thekua recipe which of course looks normal. ये बहुत ही average below looking है but design और shape में आप ध्यान मत दो, आप ध्यान दो इसकी recipe में. इसका जो texture है बाहर से crispy है, क्रंची है, लेकिन अंदर से अगर आप देखोगे तो सॉफ्ट एंड च्यूई है. तोड़ने में भी मुश्किल नहीं होता, हार्ड नहीं है, सॉफ्ट ठेकुआ है. ये कोई मामूली ठेकुआ नहीं है, इसके इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट है स्लाइटली और इसका जो तरीका है बनाने का डो वो भी बहुत डिफरेंट है. तो आप इसको ज़रूर देखें एंड यू विल डेफिनेटली लाइक दिस. और इसमें मैंने अपना एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भर भर के डाला है तो वो आप ज़रूर देखना एंड आई एम श्योर यू विल लव दिस रेसिपी. ये देखने में बहुत ही मामूली और नॉर्मल सा दिख रहा है बट इसका रेसिपी जो है वो मेन है. तो रेसिपी पे फोकस करें, डिज़ाइन और शेप तो आप कुछ भी दे सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ चीनी, शुगर आप अपने हिसाब से लो, ज़्यादा लो कम लो, पर मैंने थोड़ा सा ही लिया है क्योंकि बाद में हम लोग गुड़ यूज़ करने वाले हैं. और मेरा जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है कोकोनट. कोकोनट इज़ माय फेवरेट इंग्रेडिएंट, आई लाइक टू वर्क विथ, खास करके जब वो डेजर्ट हो. सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ सोलिमो का वेजिटेबल एंड मीट चॉपर. ये बहुत ही बेहतरीन चॉपर है. इसका रिव्यू आई हैव डन ऑलरेडी, सो इफ़ यू हैवन वॉच्ड इट गो वॉच इट, लिंक आई विल लीव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो टू ग्रेट द कोकोनट यू कैन प्रिटी मच यूज़ मिक्सर ग्राइंडर और अ ग्रेटर, जिससे कि आप ग्रेट कर लो. बट यहाँ पे आई एम यूजिंग दिस सोलिमो का वेजिटेबल चॉपर बिकॉज ऑल्सो आई वॉन्टेड टू सी कि ये चॉपर कैसा काम करता है. एंड सेकेंड थिंग कि जब आप चॉप करते हो तो ये फाइनली चॉप होता है लेकिन इसमें एक छोटू सा चंक रहता है कोकोनट का. सो व्हाट आई वांट इज़ कि मैं उस छोटे चंक को इनकॉर्पोरेट करना चाहती हूँ अपने डो के मिक्स में, क्योंकि जब आप ठेकुआ खा रहे होगे तो एक बाइट मिलेगा जिसमें आपको कोकोनट का फ्लेवर आएगा बहुत खूब अच्छे से. नाउ असली बात ये है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि कोकोनट तो हम सब यूज़ करते हैं ठेकुआ में, बट ऐसा क्या है. देखिए, चेरी का रेसिपी इसलिए डिफरेंट है क्योंकि एक तो हम लोग दो डिफरेंट तरीके से बनाने वाले हैं जिसका टेक्सचर आएगा डिफरेंट, और दूसरा कि जो कोकोनट मैं यूज़ कर रही हूँ द क्वांटिटी इट्स सो मच. यहाँ पे आई एम यूजिंग एक छोटा पूरा कोकोनट, ठीक है. और उसमें ये देखो छोटे इस तरीके के चंक्स है कोकोनट के, तो इसको हम लोग डो में इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं. इनको अब हम शुगर और कोकोनट को एक साथ में मिक्स कर देंगे. सो जो टेस्ट आने वाला है वो नारियल का लड्डू के जैसा. अगर आपको कोकोनट के डेजर्ट पसंद है, अगर आपको कोकोनट एंड शुगर का मिक्सचर पसंद है, कोकोनट और शुगर का हलवा पसंद है आपको, कोकोनट और शुगर या गुड़ का लड्डू वगैरह कुछ ऐसा पसंद है, ये फ्लेवर अगर आपको अच्छा लगता है तो ये ठेकुआ बिल्कुल आपके लिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू इन्जॉय इट एब्सोल्युटली. अच्छा, तो असली बात ये भी है कि इस रेसिपी में हम लोग जो प्रपोर्शन यूज़ कर रहे हैं फ्लोर का वो थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल से. यहाँ पे आई एम यूजिंग दिस सूजी ऑल्सो कॉल्ड रवा. यहाँ पे मैं एक बड़ा स्पून से, ये टेबल स्पून या पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, से मैं एक बड़ा टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ रवा और सूजी और सेमोलिना. इसके बाद मैं सेम इसी चम्मच से मेजर करके प्लेन फ्लोर यूज़ करूँगी जो कि मैदा भी है. और एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू इनकॉर्पोरेट आटा. जी, हमने रवा लिया, हमने मैदा लिया, हमने आटा भी लेंगे हम. तो ये है आटा, तो ये वाला तो आशीर्वाद आटा है. आप गणेश या गोपाल आटा भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है. तो जो आटा का क्वांटिटी है वो भी एक बड़ा टेबल स्पून ही होने वाला है. बाद में हम लोग एक दो चम्मच और यूज़ करेंगे जब हम लोग डो को नेड कर रहे होंगे, जब हम लोग ठेकुआ का डो को नेड करने वाले होंगे तब हम लोग एक दो चम्मच और हाथ में लगा के उसको यूज़ करेंगे. देखिए, यहाँ पे मैंने कोई भी घी या ऑयल नहीं डाला है. और अब फ्लेवरिंग के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे इलायची एंड किशमिश और काजू. ड्राई फ्रूट्स आपके चॉइस के होने चाहिए. ज़्यादा कुछ भी फैंसी चीज़ें नहीं है, जो घर पे असली चीज़ें होती है बस वही सब डाला है मैंने. एक लुक जो चीज़ें मैंने यूज़ किए हैं
इसके बाद हम लेंगे मिल्क, ये अभी प्लेन मिल्क है बट इसमें हमको इनकॉर्पोरेट करना है थोड़ा सा जैगरी, ये शुगर केन का गुड़ है, मैंने खजूर वाला नहीं लिया है। इसको हम थोड़ा सा दूध में मेल्ट करेंगे और इस दूध को हम यूज़ करेंगे ठेकुआ का डो को नेड करने में, उसको बनाने में। इससे गुड़ डालने से क्या होगा, आपका जो एक कलर है वो भी एनहेंस हो जाता है। सो डेफिनेटली आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक हम लोगों ने इस आटे में, इस ठेकुआ के मिक्सचर में कोई भी ऑयल, घी या बटर या मोइन जैसी सब्सटेंस को हमने क्यों नहीं इसमें मिलाया है। तो यहीं से शुरू होता है असली रेसिपी, जो हम लोगों को वो टेक्सचर चाहिए सॉफ्ट और चुई, वो टेक्सचर के लिए हम लोगों को कोई भी ऑयल या घी अभी नहीं डालना है। अभी सिर्फ हमने वो गुड़ वाला मिल्क डाला है और उसी से हमको एक पेस्ट तैयार करना है। ये पेस्ट देखने में थोड़ा सा गुई होगा बट डोंट यू वरी, इसको हम लोग थोड़ा देर रेस्ट देंगे, मिनिमम हाफ एन आवर आपको मतलब देना ही पड़ेगा, लेकिन आप उससे ज़्यादा भी छोड़ सकते हो, बट दैट्स कम्प्लीटली ओके, डरना बिल्कुल मत, बिकॉज इसको नीड करना बहुत ईजी है। तो जब हम लोग इसको नीड करेंगे ना, तब हम एक डो फॉर्म करेंगे, पर उससे पहले इसको रेस्ट दे देते हैं क्योंकि अभी काफ़ी पेस्ट है और जो थोड़ा अब्जॉर्ब भी हो जाएगा रवा। सो आधे घंटे मैक्स टू मैक्स के बाद ऐसा कुछ दिख रहा है। अब हम यहाँ पे ऑयल यानी तो एक डो तैयार करेंगे ऐसा, उसके लिए हम लोग ऑयल या फिर घी जो आप चाहो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑयल आप 4 से 5 चम्मच या घी भी आप 3 चम्मच भर के दे देना, ठीक है। एंड फिर हम लोग ऐसा एक डो रेडी करेंगे। एंड ये है वो छोटे कोकोनट चंक्स जो बहुत अच्छा बाइट देंगे एक ठेकुआ में जब आप खाओगे, तो इसके आप छोटे छोटे गोल कर लो और फिर इसको एक प्लेट में फ्लैट कर लो। अगर आपको डो बनाने में थोड़ा भी प्रॉब्लम आए तो आप थोड़ा सा सूखा आटा 2 चम्मच जितना हाथ में लगा के डो बना सकते हो। अब आप देखो कितना इजी और कितने सही तरीके से फ्लैट हो गया है ये। अब बारी है इसमें डिज़ाइन देने का, तो मेरे पास साँचा नहीं है तो यहाँ पर मैं एक फॉक यूज़ कर रही हूँ, फॉक के हेल्प से मैं डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। सो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि मैं इतना तो, मुझे तो इतना आता नहीं है, बट ठीक है। आप लोग के घर में अगर आपको आता हो या आपके घर में कोई और ऐसा हो जिनको आता हो, आप उनसे हेल्प ले सकते हो। ये तो मैंने खुद से किया, तो शेप और डिज़ाइन बिल्कुल ही वाहियात है, बट इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है और ये अभी ही बहुत ही यम्मी यम्मी सा फ्रेग्रेंस, एक सेंट आ रहा है। मेरी दादी माँ के जो दांत है वो बहुत कमज़ोर है, तो एक बार जब वो ठेकुआ खा रही थी तो उनके 2-3 दांत टूट गए। तभी मैंने, मुझे इंस्पिरेशन मिला इस चुई और सॉफ्ट ठेकुआ के लिए, और आज मेरी दादी माँ ये ठेकुआ आराम से खा सकती हैं। तो जिनके टीथ कमज़ोर है और जिनको यू नो हार्ड ठेकुआ पसंद नहीं है, वो ये चुई ठेकुआ, क्रिस्पी ठेकुआ, क्रंची ठेकुआ खा सकते हैं बहुत ही आसानी से बिना अपने दांत तुड़वाए। सो अब एक असली बात जो कि है ऑयल का टेम्परेचर, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको क्रिस्पी क्रंची आउटर ठेकुआ और इनर सॉफ्ट एंड चुई चाहिए, जो कि कमज़ोर तीत वाले भी खा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ऑयल को आप हीट कर लेना अच्छे से हाई फ्लेम पे, लेकिन जस्ट ठेकुआ डालने से 5 मिनट पहले आप फ्लेम को मीडियम से लो के बीच रख देना, और उसके बाद ही आप इसमें एक एक करके सारे ठेकुए डाल देना। एक बार में आप इसमें 6 से 7 डाल सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर कढ़ाई का विथ, और इसको छोड़ देना 10 मिनट के लिए। तो ये 10 मिनट में रेडी हो जाएगा, आप देख लो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा 10 मिनट में, ये पूरी तरीके से पक जाएगा एंड योर ठेकुआज आर रेडी। ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज़ द यमीएस्ट ठेकुआ रेसिपी आई हैव एवर हैड। नंबर 1, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत डिफरेंट है। इसका टेक्सचर बिस्किट की जैसा है, सॉफ्ट है, चुई है, और सबसे बेस्ट चीज़ की ये ओल्ड पीपल भी खा सकते हैं और कमज़ोर दांत वाले भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। इट्स टू गुड गाइज, जस्ट ट्राई इट। ये रेसिपी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो बेशक कॉमेंट में पूछो।
And if you like this video, do not forget to hit like, share and subscribe to Cherry and Her Crazy Ideas for more such crazy and yummy recipes. Thank you so much for watching. Bye-bye.